Astani! Please, sir. तो सेशन को मैं शुरू करता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बात जो हमको समझनी होगी सेशन को आगे बढ़ाने से पहले. हमारा जो भी एजुकेशन सिस्टम है या जो भी बचपन से आज तक हमारी कंडीशनिंग हुई है वो पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज के ऊपर है, वो है कि पैसा कमाओ. सब एग्री करते हैं इस बात से? तो पैसा कमाने पर तो सबका फोकस है, लेकिन कुछ ऐसा है जो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर किसी का फोकस नहीं है. पैसा कमाने से भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आपने कितना पैसा बचाया. इंपॉर्टेंट है या नहीं है लॉन्ग टर्म में? सपोजिंगली आपने 50,000 रुपए महीने का कमा तो लिया, लेकिन आपके खर्चे हैं 55,000 रुपए के, क्या करोगे? तो कितना आपने कमाया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपने कितना बचाया. कितना बचाया इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बचाया उसको किस तरीके से इन्वेस्ट किया. ये कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? बट ये हमको कहीं नहीं सिखाया जाता है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, घर पे भी इसकी इतनी बात नहीं होती है कि पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, स्मार्टली कैसे इन्वेस्ट करना है. क्योंकि अगर आपको स्मार्टली इन्वेस्ट करना आता है और आप मान लो महीने का, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता, 2-3 हज़ार रुपये भी इन्वेस्ट करते रहते हो अभी से इस एज ग्रुप से, विच इज़ अराउंड 25 years, 30 years, तो आने वाले 20 साल बाद, 30 साल बाद पता है आपके अकाउंट में कितना पैसा हो सकता है अगर स्मार्टली इन्वेस्ट करते हो तो? करोड़ों रुपये हो सकते हैं. तो दिस टॉपिक टुडे इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो. और जरूरी नहीं है ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी एज ग्रुप 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, क्योंकि इन बातों को सीखना एक्चुअल में जरूरी है एट एज यंग ऑफ एज एज पॉसिबल. यानी अगर आपकी एज 18-19 साल, 20 साल भी है, जो लोग कैमरे पे देख रहे हैं उनको मैं बोलता हूँ, जो वीडियो में देख रहे हैं, कि अगर आपकी एज 18-19 साल है, 20 साल है, तब भी आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और मेरे को आइडिया कहाँ से आया ये सेशन करने का, मेरे एक फ्रेंड है मेरी, वैसे उनसे बातचीत हो रही, उन्होंने मेरे से पूछा कि यार मेरे पास में कुछ फंड पड़ा हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ आइडियाज हैं आपके पास? नहीं नहीं उन्होंने मुझसे पूछा, आप क्यों बीच में टांगड़ा रहे हो? सीधा ही म्यूचुअल फंड. तो उन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने ये नहीं कहा जो इन्होंने कहा. मैंने सबसे पहले उनसे ये पूछा, मैंने कहा आपने क्या किया हुआ इस पैसे का और कितना पैसा आपने जोड़ा हुआ है? तो उन्होंने बताया मेरे अकाउंट में अराउंड 4-5 लाख रुपये पड़ा हुआ है. मैंने कहा अकाउंट में मतलब? कहते सेविंग्स अकाउंट. एंड इट्स अ ह्यूज ब्लंडर. और आप में से भी बहुत सारे लोगों के अकाउंट में पैसा पड़ा होगा. कितने ऐसे हैं यहाँ पर? सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट कितना है पता है? 3%, 3.5%. इन्फ्लेशन कितनी है? इन्फ्लेशन पता है ना हम सबको क्या है? मान लो आज हम पेट्रोल खरीदते हैं, कितने का है पेट्रोल, कितने रुपए लीटर है? 73. ये आज से 20 साल पहले कितने का था? 20-25 रुपए का. तो 25 रुपए से बढ़ करके आज कहां हो गया है? 73 पे पहुंच गया. तो ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गया है. तो अगर वो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा होता तो क्या वो 3 गुना बढ़ जाता? तो आप लॉस में हो. समझ गए? इन्फ्लेशन का जो रेट है अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 6% के आसपास मान लेते हैं, वो वेरी करता रहता है. बट अगर 6% इन्फ्लेशन है और 3% आप अर्न कर रहे हो उस पैसे पे, तो आप कमा नहीं रहे हो, आप गंवा रहे हो. क्योंकि उस पैसे की वैल्यू कम होती चली जा रही है और आप खुश हो रहे हो कि मैं पैसा जोड़ रहा हूं. आप जोड़ नहीं रहे हो, आप बेवकूफी कर रहे हो. तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो हमको सीखनी बहुत जरूरी है. और जैसे ही मैंने उनको ये बात बोली तो इट वॉज अ सरप्राइज फॉर हिम. मैंने कहा ये पैसा सेविंग्स में क्यों पड़ा है, इसकी FD क्यों नहीं कराई, क्योंकि FD में एटलीस्ट 7% इंटरेस्ट है. कहता मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसे, मेरे को किसी ने बताया ही नहीं इसके बारे में, कभी सिखाया ही नहीं. और ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. मैंने कुछ कैलकुलेशंस करी, फिर उनको मैंने बताया. मैंने कहा अगर सिर्फ इतना सा स्टेप हमने उठा लिया ना, इतना सा, जो कुछ भी नहीं है, कुछ घंटे का है, कि जो सेविंग में पड़ा है उसकी FD करानी है. FD भी अलग अलग ड्यूरेशन की करा दी. कुछ जो हमको पता है कि अभी इमीजिएटली काम नहीं आना है उसकी मान लो 3 साल की करा दी, कुछ लगता है इमीजिएटली काम आना तो 6 महीने की FD करा दी. अगर इतना सा भी हमने स्टेप उठा लिया तो अगले आने वाले 20 साल बाद कितने का फर्क पड़ जाएगा? एनी आइडिया? लाखों रुपए का फर्क पड़ेगा, कम से कम 20 लाख रुपए का फर्क पड़ेगा आने वाले 20 से 25 साल में. तो मैंने कहा वो जब 20-25 लाख आएंगे, अब ये करोगे तो हो ही आप जो मैंने बताया है, तो उसमें से कुछ थोड़ा इधर भी दे देना भाई. आपने कितना पैसा कमाया उससे इम्पोर्टेंट क्या है? कितना बचाया. अब पैसे को बचाते कैसे हैं? पैसे को बचाना मतलब हम क्या समझते हैं? खर्चे कम करो, बस ये तो हमको समझ आता है कि सब्जी वाले से लड़ते रहो,
रिक्शे वाला, 10 रुपये नहीं भैया, 8 रुपये ही दूंगी मैं, तो बचा लो 2 रुपये। इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी बड़ी गेम की, जहाँ पे हम कुछ बेवकूफ़ों वाले स्टेप्स उठाते हैं और अपना करोड़ों का नुकसान कर बैठते हैं। मैं 2-3 रुपये की, 5 रुपये की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आज देखने में हजारों लग रहे हैं, वो आने वाले टाइम के करोड़ों हैं, याद रखना मेरी इस बात को। हजारों लाखों बन जाते हैं कुछ साल बाद, और लाखों करोड़ों बन जाते हैं कुछ साल बाद, अगर हमने स्मार्टली इन्वेस्ट किया तो। अब बताता हूँ आपको एक बहुत बड़ी गलती जो हम सब कर रहे हैं। आप में से कितनों ने इंश्योरेंस कराई हुई है? कौन सी इंश्योरेंस कराई हुई है? कितनों ने एंडोमेंट वाली कराई हुई है? कितनों को, तो एक मिनट, जिन्होंने इंश्योरेंस कराई हुई है कितनों को पता ही नहीं उन्होंने कौन सी कराई हुई है? करो हाथ ऊपर करो। अरे वाह वाह जी वाह। कितने हैं जिन्होंने एंडोमेंट कराई हुई है? एंडोमेंट पता है क्या होती है? कि आपने हर साल का इतना एक एक्स अमाउंट दिया, मानो 20-30 हज़ार रुपये दिया, और 10 साल बाद 20 साल बाद आपको इतने लाख रुपए मिल जाएगा, उसको एंडोमेंट बोलो। हाँ वही कराई है सर। क्या सर एंडोमेंट पेंडोमेंट बोलते हैं? सीधी बात करो ना। इंश्योरेंस का मतलब लोग यही समझते हैं इंडिया में कि हर साल का इतना पैसा जाना है, इतना प्रीमियम जाएगा, 20,000, 30,000, 40,000, और 20 साल बाद आपको इतने लाख रुपए मिल जाएगा, मान लो 20 लाख रुपए मिल जाएगा, जो सुनने में बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। बेवकूफों वाला स्टेप है ये। कितनों ने टर्म इंश्योरेंस कराई हुई है? आर्डली 3 या 4 या 5 लोग। कमाल जी कमाल। देख लो कितना बड़ा ब्लंडर है ये। ये अभी आप सपने में भी नहीं सोच सकते, और ये आपको कोई नहीं बताएगा, ना कोई बैंक वाले बताएंगे, ना कोई इंश्योरेंस एजेंट बताएगा, ना आपका कोई दोस्त बताएगा, क्योंकि जब पैसा बीच में आ जाता है तो यारी दोस्ती सिर्फ नाम की होती है। दारू पी रहे हो, ओ तुम मेरा भाई है, मैं तेरे साथ में कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, ले तू एंडोमेंट करा, ओ तू मेरे पे छोड़ दे यार, और आपको पता ही नहीं आपका कितना बुरी तरीके से कटा है। तो अब ध्यान से समझना, ये जो टर्म इंश्योरेंस है ये आपको कराने के लिए कोई नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंश्योरेंस एजेंट है उसको पैसा ना के बराबर मिलेगा। जो एंडोमेंट प्लान्स होते हैं, जो यूलिप्स होते हैं, उसमें उनको अच्छा खासा कमीशन मिलता है, कुछ केसेस में 30% तक भी मिलता है। अगर आपने मानो 20,000 की इंश्योरेंस कराई तो 30% कट गया आपका? आपका कट नहीं गया है, पैसा आपका कट गया है, 6,000 रुपये गया। अगर 6,000 रुपये वैसे कहीं पे खो जाते हैं या नहीं मिलते हैं या कोई लेकर के आपसे भाग जाता है, कितने दिन तक टेंशन रहती है? मजे की बात क्या है, आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ है। ये जो टर्म इंश्योरेंस होती है इसमें ना के बराबर कटता है। इसमें बस एक पॉइंट होता है जिसको सुनते ही आप लोगों को झटका लगेगा, जिनका कन्वेंशनल माइंडसेट है। टर्म इंश्योरेंस क्या होती है कि आप इतना पैसा देते रहो, मानो आपने 10 साल दिया, 20 साल दिया, 30 साल दिया, 30 साल बाद आपको 1 रुपये भी वापस नहीं आएगा। ओ सर ये क्या सर, वापस नहीं आएगा तो फायदा क्या है? इंश्योरेंस किस लिए होती है? किस लिए होती है? कि कल को आपको कुछ हो जाए। ये बेसिक सी बातें बता रहा हूं आपको, ये नहीं पता है लोगों को। अभी देख लो कितनों ने हाथ उठाया था। बेसिक सी बात समझो, इंश्योरेंस का जो मतलब होता है वो होता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को इतना पैसा मिल जाए कि उनको टेंशन ना हो। मान लो आप अर्निंग मेंबर हो फैमिली में, आप महीने का मान लो 30,000 कमा रहे हो, 40,000 कमा रहे हो, तो इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को इतना पैसा मिलना चाहिए कि उनके पास 40-50 हज़ार रुपये आता रहे। ये जो पॉलिसीज होती हैं, एंडोमेंट, यूलिप और ये सब जितनी भी होती हैं, इसमें कवर बहुत कम होता है। कवर का मतलब समझते हैं? कवर मतलब लाइफ कवर, जितने की कवरेज हुई है। कि अगर आप मानो 50,000 का प्रीमियम दोगे तो आपको कवरेज मिलेगी, अलग अलग प्लान में अलग अलग होती है, मान लो 10 से 20 लाख रुपए की। मान लो अगर आपको 20 लाख रुपए मिल भी गया आपकी फैमिली को आपके जाने के बाद में, अगर आप साल का 50,000 दे रहे हो तो इसका मतलब अच्छा खासा कमा रहे हो, मान लो 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, तो क्या उस 20 लाख रुपए में आपकी सारी जो भी फैमिली की प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व हो जाएगी? तो करा क्यों रहे हो ऐसी इंश्योरेंस? बस लालच, कितने साल बाद इतना पैसा मिलेगा? 20 लाख को अगर आपकी फैमिली आपके जाने के बाद में बैंक में रखती है, वहां से कितना इंटरेस्ट आएगा? मान लो 7% भी आ जाता है, 7% कितना होता है? 1,40,000, 20 लाख पे महीने का कितना हुआ? 12,000 रुपये महीना।
चलो 1 लाख भी हटा देते हैं, अगर आपकी सैलरी 50,000 थी तो क्या 12,000 रुपये महीना बहुत है आपके लिए, आपकी वाइफ के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके मदर फादर के लिए, सबके लिए बहुत है? बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसी इंश्योरेंस हम क्यों कराते हैं? क्योंकि हम इन चीजों में कभी दिमाग ही नहीं लगाते हैं, कोई और हमारे लिए दिमाग लगा रहा होता है, कोई एजेंट या फिर बैंक वाले फोर्स कर रहे होते हैं। आजकल ये नया ट्रेंड चल गया है कि आपके बैंक अकाउंट में थोड़ा सा भी पैसा पड़ा होगा तो बैंक से फोन आ जाएगा। हो रहा है ऐसा है, नहीं हो रहा है कि क्यों रखा हुआ है, ये करा लो ना, वो करा लो ना। अब वो क्या करवाने को बोलेंगे आपको, जिसमें आपका फायदा है, जिसमें उनका फायदा है? इस बेसिक सी चीज को समझ लो। तो टर्म इंश्योरेंस के लिए आपको कोई नहीं बोलने वाला, उल्टा अगर आप बोलोगे तो वो लोग मना ही करेंगे, आपको कहेंगे इसमें मिलना तो है नहीं, फायदा क्या है। अब टर्म इंश्योरेंस का फायदा समझो। यहां पे आपने एंडोमेंट में, यूलिप में कितना दिया, 50,000 साल का, और मिला कितना, कवर कितने का है, 20 लाख का मैक्सिमम। कई कई केसेस ऐसे भी हैं जहां पे 50,000 आपने दिया और 10 लाख का कवर है, 10 लाख रुपए कुछ भी नहीं है अगर कुछ आपको हो जाता है तो। अब वहां पर क्या है, 10,000 रुपए आप देते हो साल का और कवर कितना है, 1 करोड़। 1 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, डिपेंड्स अपॉन द एज, बट 1 करोड़ का आपको कवर मिला। 10,000 रुपए आपने साल का दिया, 1 करोड़ अगर उन्होंने बैंक में भी रखा तो कितना आया, 7 लाख रुपए साल का आया, महीने का कितना हुआ, अराउंड 60,000। बहुत है अगर आप 50,000 रुपए कमा रहे हो, बल्कि 10,000 ज्यादा दे दिया अगर आप मैं वही बोलने ही वाला था कि अगर आप जरूरत से ज्यादा लड़ते हो घर में तो आपके घर वाले खुश होंगे। चलो एक काम तो अच्छा किया जिंदगी में। तो अगर आपका बजट 50,000 का है इंश्योरेंस कराने का, तो 10,000 आपने कराई टर्म इंश्योरेंस बिना यह सोचे कि मेरे को वापस कितना मिलेगा, क्योंकि वापस मिलने के लिए इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस है लाइफ कवरेज के लिए। टर्म इंश्योरेंस मतलब क्या, कि आप उतना ही पैसा दे रहे हो जितने का आपको लाइफ कवर चाहिए। सिंपल, मान लो आप 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो तो आपको कितने की पॉलिसी चाहिए, 2 करोड़। 2 करोड़ की, 2 करोड़ के लिए कितने का प्रीमियम जाएगा साल का, 20,000 रुपए। बस इससे ऊपर 1 रुपए भी देना इलॉजिकल है। इसको बोलते हैं पैसे को बचाना। और वैसे अगर आपको 2 करोड़ की कवर चाहिए एंडोमेंट पॉलिसी में, तो कितने का प्रीमियम देना पड़ेगा साल का, 10 से 20 लाख रुपए साल का आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। मतलब जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा देना पड़ेगा। समझ गए क्या हो रहा है? जो कमा रहे हो वो सारा इंश्योरेंस में जाएगा, तब जाकर के एक ढंग का कवर मिलेगा आपको। जब मैंने भी अपने घर में बात करी टर्म इंश्योरेंस कराने की अपनी, तो उन्होंने सबसे पहली चीज यही पूछी मेरे जो फादर है, कि ठीक है ये तो समझ आता है कि इतना पैसा जा रहा है, 20 साल बाद कितना मिलेगा? मैं कुछ नहीं मिलेगा। मैं कहा हाँ अगर कुछ हो गया तो मिलेगा। कहता अरे नहीं नहीं बेटा ये क्या बात कर। मैं कहा इसीलिए होती है इंश्योरेंस पॉलिसी, मिलेगा। इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा कवर ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस सर? हेल्थ इंश्योरेंस इज मस्ट, आज के टाइम में बहुत जरूरी है। नहीं तो होगा क्या, आपने पैसा बचाया, मान लो बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, पता नहीं क्या क्या करा, और एक एक्स अमाउंट आपने बचा भी लिया, 10 साल 20 साल काम करके मान लो 10-20 लाख रुपए आपने बचा लिया, किसी तरीके से सेव कर लिया, और अगर कोई बीमारी हो गई तो कितनी देर लगेगी उस पैसे को खत्म होने में? हफ्ता, 10 दिन 15 दिन। कितने लोग प्रैक्टिकली मेरी इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं? सब कर पा रहे हैं। और कितनों ने हेल्थ इंश्योरेंस कराई हुई है? रिलेट सारे कर पा रहे हैं, लेकिन हार्डली आधे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअल में अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कराई हुई है। और हेल्थ इंश्योरेंस भी मुझे लग रहा है ज्यादातर ने तो नाम के लिए करा रखी होगी। कितना कवर है? क्योंकि अगर आप कवर ज्यादा भी लेते हो तो प्रीमियम आपको बहुत ज्यादा नहीं देना पड़ता है, मार्जिनली एक्स्ट्रा होता है, उसमें आपकी पूरी फैमिली कवर हो जाती है। मतलब आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे सारे कवर हो जाते हैं। इसको आप हेल्थ इंश्योरेंस कहो, मेडिकल इंश्योरेंस कहो, मस्ट है ये होनी ही चाहिए। ज्यादातर ऐसे केसेस में क्या होता है, जिन्होंने कोई हेल्थ इंश्योरेंस अपनी नहीं कराई होती है, क्योंकि अब छोड़ तो सकते नहीं उस पर्सन को जो हमारे साथ में है, या खुद अगर कुछ हो गया तो अब अपने आप को ये तो नहीं कह सकते कि हाँ मरने। तो ऐसे में क्या होता है, एक तो सेविंग्स आपकी खत्म होती है बड़ी तेजी से, दूसरा क्या खत्म होता है और क्या होता है, लोन लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। उस उधार को चुकाने का मतलब क्या है, कि आप कभी जिंदगी में दोबारा सेव कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और कितनी कॉम्प्लिकेटेड है ये, कि मतलब जिंदगी में कभी आप पैसा जोड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो कमाओगे अब वो सारा उधार चुकाने में लगता रहेगा। या तो आप लोन लोगे बैंक वैंक से, या अपने किसी दोस्तों से, यहां से वहां से, जिससे भी लोगे,
अगर नहीं दोगे उनको वापस तो दोस्ती खराब करोगे। और एक और जब बात यहां तक आई है तो एक और चीज, एक और गलती हम करते हैं, वी वॉन्ट टू मेक क्विक मनी, उससे हमेशा बच करके रहो। जहां भी क्विक मनी की बात हो रही हो, भैया इतना पैसा लगा दो, इतने टाइम में इतना पैसा मिल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वहां से भाग जाओ, उल्टे हो जाओ और भाग जाओ वहां से, रुकना मत गलती से भी। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं मार्केट में अनलिमिटेड, और करोड़ों लोगों ने अपने पैसे गंवाए हैं इन चक्करों में। अब आते हैं एक दूसरे एस्पेक्ट पे कि चलो हमने स्मार्टली पैसे को जोड़ा। कब जोड़ा? जब फालतू की जगह पे हमने पैसे को ब्लॉक नहीं किया। जैसे अगर आपने कोई एंडोमेंट प्लान ले लिया इंश्योरेंस का, जहां पे आपका साल का 50,000 रुपये जा रहा है, तो 50,000 रुपये तो आपका ब्लॉक हो गया अगले 20 साल के लिए, समझ गए ना? तो हमने वहां पे स्मार्टली प्ले किया, टर्म इंश्योरेंस कराई, वहां से पैसा बचाया। तो अभी जो पैसा बचा इसका हम क्या करें? क्या सेविंग अकाउंट्स में पड़ा रहने दें? नो यूज, वो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, एक्चुअल में कम हो रहा है। वहां पे जो आपके पैसे पड़े हुए हैं वो 10 साल बाद और कम हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो करना क्या चाहिए? इतना पैसा जितना आपको लगता है कि यार मेरे को इमीडिएटली जरूरत पड़ सकती है, वो कितना है? जितना आपके महीने के खर्चे हैं, इंटू 6 कर दो। वो पैसा है जो आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो उस पैसे की आपने 6 महीने की FD करा दी। और एक बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास में, वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स पता है सबको क्या है? कितनों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है म्यूचुअल फंड्स में? बहुत कम लोगों ने। क्यों नहीं किया हमने इन्वेस्ट? नंबर वन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। नंबर टू, हम डरते हैं, हमें लगता है म्यूचुअल फंड भी कोई स्कीम है कि पैसा इकट्ठा किया और कल को अगर भाग गए या बंद हो गया तो पता नहीं क्या होगा। ये पैसा आपका 100% सेफ है, बिकॉज इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। तो यहां पर डरने की जरूरत नहीं है, मेरा पैसा चला जाएगा। बस हमको यहां पर स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, एक तो आपने अपने 6 महीने का जो अपना कॉर्पस है उसको अलग कर दिया, यानी जो पैसा आपको चाहिएगा उसकी आपने FD करा दी, इंश्योरेंस वगैरह को प्लान कर लिया अच्छे से। फिर जो पैसा आपका बचा उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इट इज एन एक्सीलेंट ऑप्शन। नेवर ट्राई टू गेट इनटू स्टॉक्स डायरेक्टली अगर आपको बहुत ही डीप नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की तो। हाँ, यू आर क्वालिफाइड इन दैट और आपका काम ही वही है, तब तो ठीक है। बट किसी की सलाह सुनी कि यार, या कोई कहानियां सुनी कि ये शेयर पहले इतने इतने का था, अब इतने का हो गया, सुनी होंगी ऐसी कहानियां? नेवर इन्वेस्ट इन स्टॉक्स डायरेक्टली, क्योंकि कुछ नहीं पता कि वो कंपनी का क्या होने वाला है। हो सकता है आपका 100 रुपये आपने पूरा जो भी आपने जोड़ा, या 1,00,000 रुपये आपने जोड़ा और किसी के एडवाइस पे आपने उठा करके लगा दिया, वो 1,00,000 रुपये 10,000 भी रह सकता है कुछ टाइम के अंदर अंदर, पता भी नहीं लगेगा। कहते हैं ना, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन दी सेम बास्केट, इन वन बास्केट। तो अब करें क्या? क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या है, इन्फ्लेशन अगर है 6% का और FD में आपको मिल रहा है 7%, तो अल्टीमेटली आप कितना कमा रहे हो? 1%। 1% से क्या होगा, करोड़पति बन जाओगे? इम्पॉसिबल। तो आप क्या कर सकते हो, अपना आधा पैसा सेफ जगह पर रखो। सेफ जगह क्या है? FD हो गया। FD में भी एक और चीज है जो बहुत लोगों को नहीं पता है, वो क्या है कि ऐसे एक तो है बैंक में आप FD कराते हो, एक है कुछ कंपनीज है जो क्रिसिल से या इकरा से, ऐसे ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां से AAA rated है। AAA rated का मतलब होता है हाईली सिक्योर, एज सिक्योर एज अ बैंक। वहां पर अगर आप FD कराते हो तो आपको 9% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। ये जो सुनने में लगता है ना 7% और 9%, ये अभी छोटा लगता है, लेकिन आने वाले 20 साल बाद इसकी कितनी बड़ी अमाउंट होती है अगर आप कंपाउंडिंग को बीच में ले आओ, दैट यू कांट इवन थिंक इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स। कंपाउंडिंग कितने लोगों को पता है? बहुत कम को। देखो, कंपाउंडिंग मतलब होता है जो हमको इंटरेस्ट मिलता है हमारे पैसे पे, जहां भी हम इन्वेस्ट करते हैं उस इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट मिलता है ना। मान लो आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, 1 साल बाद 20% की रिटर्न आई, तो अगले साल 120 पे 20% मिलेगा, कितना हो गया? 144। उसके अगले साल 144 पे 20% मिलेगा, 100 पे नहीं मिलेगा। और जब इसको आप इस तरीके से देखते चले जाओगे तो ये फिगर देखने में छोटी लगेगी, शुरू छोटे से होएगी, शुरू होएगी 2,000-3,000-5,000 से, ये करोड़ों में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। मतलब हर महीने का मैं एक कंजर्वेटिव भी पकड़ता हूं, अगर 2,000-3,000 पे भी हम सेव करते हैं, उसको स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं, इतना सा सीख जाते हैं, तो
बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा हमारी लाइफ में आने वाले कुछ साल बाद, ह्यूज डिफरेंस। तो आपको दिमाग ये लगाना है कि लॉन्ग टर्म में बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। जैसे आप में से कितने हैं जो मैरिड हैं और जिनकी कोई डॉटर है, तो एक गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम है सुकन्या योजना करके, सुना है इसके बारे में? दैट इज एन एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज्ड है वो, तो वहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 9% की रिटर्न जो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है आपको, और हर साल का आपके ऊपर है आपको कितना इन्वेस्ट करना है। हाईएस्ट लिमिट 1.5 लाख की है, बट आपके ऊपर है, किसी साल में आपने 10,000 कर दिया, कभी 20,000 कर दिया, ऐसे आप करते रहे ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 15-20 ईयर्स, उसके बाद में एक बहुत बड़ा कॉर्पस उसको मिलेगा अपने एजुकेशन के लिए या किसी भी चीज के लिए, फ्यूचर के लिए। इसको बोलते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, पैसे से पैसा कैसे कमाना है, ये बहुत बड़ी आर्ट है, क्योंकि ये जिसको आती है और अगर उसकी कमाई कम भी है तब भी वो आने वाले 20-30 साल बाद बिल्कुल ऐसा है जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी, इमीडिएटली नहीं। मान लो कोई बंदा है 50,000 रुपए कमा रहा है लेकिन वो स्मार्टली इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरी तरफ से कोई बंदा है जो 1,00,000 रुपए महीने का कमा रहा है लेकिन ना तो ढंग से पैसा बचा रहा है ना समझदारी से इन्वेस्ट कर रहा है, तो आने वाले 20-30 साल बाद ये जो 50,000 वाला है ये उससे बहुत आगे होगा, ये करोड़ों में होगा, और उस बंदे के हाथ में कुछ भी नहीं होगा, वो हो सकता है डेट में होगा, मतलब उसके ऊपर कर्जा होगा, और ये बंदा ऐसा होगा जो कर्जा देने लायक पोजीशन में होगा, ऐसा भी हो सकता है ये अगर हम बेसिक से फंडों को समझते चले जाएं तो। तो अब ध्यान से समझना, अब यहां पर हम कहां तक पहुंच गए थे, SIP इज एन एक्सेलेंट ऑप्शन। SIP का मतलब होता है कि आपने अपना एक अमाउंट फिक्स कर लिया, हर महीने का इतना अमाउंट तो SIP में देना ही देना है म्यूचुअल फंड में। अब म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें, हजारों म्यूचुअल फंड है, लार्ज कैप इक्विटी फंड को पकड़ो, वो भी कुछ वेबसाइट्स है जैसे मनी कंट्रोल है, वैल्यू रिसर्च है, वहां पर जाकर के देखो उन फंड्स की रेटिंग कम से कम 4 से 5 स्टार होनी चाहिए। कोई ऐसा फंड है उसकी 1 या 2 स्टार की रेटिंग है मत करो उसमें, बल्कि ऐसा फंड होना चाहिए जो हर वेबसाइट पे 4 या 5 स्टार की रेटिंग हो। अब आपने क्या किया कि हर महीने का अपना एक अमाउंट फिक्स कर लिया, दैट कुड बी एनीथिंग, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000, 5,000, दैट अमाउंट इज, SIP के थ्रू ऑटोमेटिकली इतना अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट होता चला जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स। अभी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट क्यों है, एक तरफ से मैं इंश्योरेंस के लिए मना कर रहा था, इसके लिए स्मार्ट क्यों है, क्योंकि यहां पे आपका पैसा नहीं कट रहा है, जो पैसा आप लगा रहे हो पूरा का पूरा इन्वेस्ट हो रहा है। इसमें भी दो ऑप्शंस है, एक आप ब्रोकर के थ्रू जा सकते हो, एक है डायरेक्ट जा सकते हो, तो वहां पे आपका 1% और बच जाएगा। मान लो टोटल 1.5% कटना था हर साल का, तो अब कितना कटेगा, सिर्फ 0.5%। अभी 1% सुनने में छोटा लगता है बट ओवर अ पीरियड ऑफ 20-30 ईयर्स ये लाखों रुपए का होता है। मतलब डिसीजन लेने में कुछ मिनट्स लगते हैं इन बातों को समझने में, लेकिन आने वाले टाइम में यही फर्क होगा कि आपके अकाउंट में लाखों है करोड़ों है क्या है। अच्छा, म्यूचुअल फंड क्यों और स्टॉक्स क्यों नहीं, क्योंकि स्टॉक्स में आप 1 या 2 या 4 में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड जो है वो डिवाइड कर देते हैं, वो मान लो 50 में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, तो अब अगर उसमें से एक कंपनी बंद भी हो गई तब भी प्रोपोर्शनेटली जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसमें उसका परसेंटेज क्या था, मान लो 2%, तो आपको 100 रुपए 98 रह गया, बस इतना ही हुआ। अब मार्केट में सबसे बड़ा डर लोगों को यह होता है जो म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्ट करते हैं कि कल को नीचे आ गया तो क्या होगा, क्योंकि नीचे आने की कोई लिमिट नहीं है। FD में यह है कि नीचे नहीं आएगा, इंटरेस्ट कम हो सकता है, नीचे नहीं आएगा, तो म्यूचुअल फंड में लोग नीचे आने के नाम से डरते हैं, ऊपर जाने में कोई डर नहीं है। अगर गारंटी मिल जाए कि भैया साल का इतना परसेंट तो आना ही आना है और आता ही रहेगा जिंदगी भर, तो कोई डर ही नहीं है, फिर तो सारे लगा देंगे, बट कोई गारंटी नहीं है ना, और नीचे भी जा सकता है। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि अगर म्यूचुअल फंड नीचे भी जाए तब भी आपका फायदा हो जाए, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। ये मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है, ये कोई किसी बुक में नहीं है या कोई थ्योरी नहीं है, ये मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, मोटा मोटा स्टॉक मार्केट को ट्रैक करना है, हफ्ते में एक दिन देख लो कि अभी कितने पे चल रहा है। मान लो एक पीक है, पीक अभी मान लो 40,000 है, अभी मार्केट चल रहा है अराउंड कितना, 36, 37 के अराउंड चल रहा है। तो मेरी स्ट्रेटजी क्या है, जैसे ही मार्केट 20% से नीचे गिर जाए, कि मार्केट की ये पीक है मान लो 40,000 है, अब मार्केट 30,000 पे आ गया है, तो आपने क्या किया, पहले इन्वेस्ट किया हुआ था SIP में लार्ज कैप्स में, आप इमीडिएटली जैसे ही मार्केट 30 पे आई आप स्विच कर गए मिड कैप में, नॉट इवन इन स्मॉल कैप, मिड कैप। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब मार्केट 20% टूटेगा, सेंसेक्स का मतलब लार्ज कैप्स,
जो बड़ी कंपनीज हैं, जब मार्केट 20% टूटेगा, यानी बड़ी कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो 20% से टूटेंगे, तो जो छोटी कंपनीज हैं उनके शेयर्स 50-60% 70% तक टूट जाएंगे। तो जब वो 60% टूटा तो 100 की चीज आपको कितने में मिल गई? 50 में या 40 में। तो जब मार्केट नीचे भी गया तो आपका फायदा हो रहा है। ये स्ट्रैटेजी समझ आ गई? वापस से जैसे ही मार्केट जो भी लास्ट उसकी पीक थी मान लो 40,000, उससे 20% ऊपर गया, तो मिड कैप से आप स्विच कर गए वापस से लार्ज कैप में। ये स्ट्रैटेजी जो है ये मैंने सीखी है वॉरेन बफे से। उनका जो बेसिक सा फंडा है, मतलब अगर एक लाइन के अंदर बोला जाए, वो क्या है कि जब मार्केट बहुत ज्यादा ग्रीडी हो तो डरो, और जब मार्केट डरा हुआ है तो ग्रीडी हो जाओ। बेसिक सा फंडा है, मतलब जब सब डरे हुए हैं तो थोड़े से लालची हो जाओ, और जब सब लालची हो रहे हैं मतलब मार्केट ऊपर भाग रहा है तो डरने लग जाओ। तो लार्ज कैप में डर कम है, मिड कैप में डर ज्यादा है। तो जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा मिड कैप को सब छोड़ देंगे, उस वक्त आप उसको पकड़ लोगे। तो अब चाहे मार्केट ऊपर उठे तब भी आपका फायदा है, नीचे गिरे तब भी आपका फायदा है। आप वेट कर रहे हो, मैं आज एक्चुअल में वेट कर रहा हूं। लोग हैं डरते हैं, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, लोग डरते हैं कि मार्केट नीचे ना आ जाए मार्केट ऊपर जाए। मैं वेट कर रहा हूं, जाए तो सही नीचे, समझ गए? क्योंकि लार्ज कैप टूटेगा 20%, तो मिड कैप टूट जाएगा 60%। तो मेरा 100 रुपए लगा हुआ था तो 80 रह जाएगा, उस 80 को उठा करके मैं मिड कैप में डाल दूंगा, फिर आराम से बैठ जाऊंगा कुछ सालों के लिए। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा मतलब लोग लालच से तड़प रहे हैं, तब जैसे ही 20% ऊपर गया मान लो 48,000 पे गया, मिड कैप से हट करके मैं आ जाऊंगा लार्ज कैप में, वापस से सेफ हो गया। अब जो नया पीक बन गया वो क्या बन गया? 48,000। आज की रेट में क्या है? 40,000। अब 48,000 पे 2020 चलेगा। आ गया गेम समझ में? तो यहां से आप पीसफुल हो, नहीं तो लोग डरे ही रहते हैं म्यूचुअल फंड के नाम से, डरते हैं। क्यों डरते हैं? अरे कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है तो बढ़िया है, तब भी आपका फायदा है, और बढ़ रहा है तो फायदा है ही है। समझ गए? ये बेसिक सा फंडा है, हमेशा याद रखना। मतलब मासेस की जो साइकी है उससे आप कुछ अलग करोगे तभी आपके साथ कुछ अलग होगा, नहीं तो पूरी मार्केट रो रही होगी, आप भी बैठ करके रो रहे होंगे, अरे टूट गया टूट गया टूट गया टूट गया, अरे गिर गया, मैं बर्बाद हो गया। बर्बादी में भी आपका जश्न होगा अगर इस तरह से आप समझ पा रहे हो तो। थैंक यू सर।